राजीव, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं जब पहली बार पूना में था और मुझे काम की बहुत ज़रूरी थी, तो मैं ये कोई भी काम, मैं ये दिमाग में रख लिया था कि कोई भी काम मिलेगा मैं करूँगा। यहाँ तक कि मैं लेबर का भी काम किया। उसके बाद मुझे मुलाकात हुई कैप्टन बसाका सिंह जी से, और उन्होंने मुझे बोला कि भाई मेरे पास तो जगह है लेकिन क्लर्कियल जॉब है, और 93 की बात है, 93-94 की, तो बोला कि मैं आपको कुछ ज़्यादा नहीं दे सैलरी दे सकता हूँ, खाना पीने का व्यवस्था रहेगा, रहने का व्यवस्था रहेगा, आपको 600 रुपया महीना मिलेगा। 600 रुपया अच्छा ही था, अच्छा ही था उस टाइम अच्छा था, मैंने हम जैसे मैं नॉर्मल लोगों के लिए अच्छा था, परिवार बढ़िया से खा पिए उसी में घर में। और ट्रांसपोर्ट लाइन में क्या होता था कि कुछ ऐसे काम होते थे कि कुछ ना कुछ अलग से, जैसे कुछ काम किए तो उसका बेनिफिट था। तो हमने ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद मैं बोला कि मेहनत अपनी, तो कहीं भी कोई काम, एक ऐसा कुछ, मैं जो भी लाइन में गया हूँ मैं बड़ा अंदर तक सोचता हूँ। और 18 दिन में मुझे प्रमोशन मिला और मैं ब्रांच असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर बन के कलकत्ता आ गया। तो 94 में मैं कलकत्ता आ गया और 99 में मैं ब्रांच मैनेजर बना पूना रांची रोडवेज प्राइवेट लिमिटेड। और कैप्टन साहब हमको बहुत, और 10-11 में रीजनल संभाला मैंने, और 13 में वो कंपनी कैप्टन साहब ने कुछ अपनी पर्सनल लेकर के, आज भी उनके भाई केसर बाबू का पूना रांची कार्गो मूवर चल रहा है, तो बंद हो गई। बंद होने के बाद मैंने ये, मेरे दिमाग में ये बैठ गया कि मैं अब नौकरी नहीं करूँगा, क्योंकि अभी इतना ये करके, तो मैं कुछ अपना, हाँ बहुत कुछ ये किया, तो मैं अपना एक ट्रांसपोर्ट खोला। अच्छा, वो पहले तो आप सीखे वहीं पे काम करके ना? मैंने कम से कम 15 साल की एक्सपीरियंस, 20 साल की एक्सपीरियंस, और मैंने एक ट्रांसपोर्ट खोला। हाँ। ट्रांसपोर्ट का नाम था मेरा नीत करियर सर्विस। अच्छा। और उससे भी बहुत अच्छा मैंने इनकम कमाया, सब कुछ किया, लेकिन इस बीच में मुझे जो एक लत लग गई फिल्म बनाने की, तो जो भी कमाया था वहाँ लगा दिया, फिर वो मैं फेल हुआ। और फिर अब रिटर्न आके अपने लाइन को शुरू की करना चाहा, लेकिन क्या होता है कि जब आपके ऊपर लोगों को फेथ रहेगा तो आप आगे बढ़ोगे। तो लोगों के दिमाग में ये बैठ गया कि गिरी जी यानी रासबिहारी गिरी सूर्य रवि गोस्वामी अब ये हीरो बन गए हैं, एक्टर बन गए हैं, प्रोड्यूसर बन गए हैं, तो इनको अब ट्रांसपोर्ट से कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक चीज़ सबसे बड़े मैं बता दूँ कि आपको विश्वास लोगों पर, आप इस लाइन में हो तो इस लाइन में हो, ये विश्वास लोगों को होना चाहिए। जहाँ आपके ऊपर से ये विश्वास उठ गया कि आपको, तो आपको काम मिलना बंद हो जाएगा। लेकिन फिर लोगों की मेरी जो ईमानदारी, आज मैंने ट्रांसपोर्ट के प्रति और ये मैंने काम के प्रति वफादारी और ईमानदारी को ऐसे मैं फिर एक्सटेंड हुआ, और आज मैं अपना काम बंद होने के बाद मैंने चालू नहीं किया हूँ। आज विक्की रोडवेज प्राइवेट लिमिटेड एक बहुत अच्छी कंपनी है, उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ, और बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात है कि अब आप बोल रहे थे कि गाड़ी, मैंने भी एक गाड़ी लिया था, लेकिन मैं आपको बता दिया कि मैं फिल्म और ट्रांसपोर्ट के इसमें था, गाड़ी पर ध्यान नहीं देता था, और ड्राइवर ने मुझे गाड़ी लास्ट में औने पौने दाम पर बेचना पड़ा, और बहुत नुकसान हुआ। तो जो भी कोई गाड़ी लेना चाहता है तो आपको गाड़ी के प्रति वफादार होना चाहिए। मैं गाड़ी के प्रति वफादार नहीं था, मैं ट्रांसपोर्ट के प्रति वफादार था फिल्म लाइन के लिए, गाड़ी के प्रति वफादार नहीं था, इसलिए हमको बहुत नुकसान हुआ। तो यदि आपको गाड़ी लेना है तो गाड़ी के प्रति वफादार होना पड़ेगा, और गाड़ी को मेंटेनेंस से लेकर टोटल काम में आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपको नुकसान कहाँ से हो सकता है, आप गाड़ी रखे हो, ड्राइवर जो है वो अपना यदि तेल मोबिल चेक नहीं कर रहा है तो गाड़ी की इंजन तक सीज हो सकती है। तो ड्राइवर ऐसा रखो जो गाड़ी के प्रति, मालिक के प्रति नहीं लेकिन गाड़ी के प्रति वफादार जरूर हो। जो गाड़ी के प्रति वफादार होगा वो मालिक के प्रति भी वफादार होगा। दूसरी बात कि जिस ड्राइवर को आप रखते हो उसके प्रति आपको भी वफादार रहना पड़ेगा, क्योंकि वो खुश नहीं रहेगा तो आप कभी खुश नहीं रह सकते हो। आप आज के दिन में कोई भी किसी का परिवार 10,000 साधारण से भी नहीं चलने वाला, और आप 5,000 रुपया ड्राइवर को देते हो या 300 रुपया रोज, 200 रुपया रोज, तो चोरी करेगा। चोरी किसका करेगा? आपका करेगा। तो सबसे पहले कि आप उसकी खाने का
और उसके घर ले जाने का पैसा का व्यवस्था उसकी होनी चाहिए, तो आपके प्रति वो वफादार रहेगा, चोरी तो करेगा ही। मैं एक आपको किस्सा सुना रहा हूँ। एक बार एक ड्राइवर, आलमपुर की बात है अपना यहीं पर, आके बोला बाबू हमको खाने के लिए पैसा नहीं है। ये 95-96 की बात है। तो मैं बोला कि 100 रुपये दे देता हूँ, 100 रुपये में तो पहले 10 रुपये 12 रुपये में खा लेते थे आदमी, तो नहीं माना तो मैंने उसे 300 रुपया दिया। और 2-3 घंटा बाद मैं वहीं पे था, तब तक उसके पेट में दर्द हो गई, अब इतनी ज़्यादा दर्द हुआ कि मैंने उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। और हावड़ा में हम किसी हॉस्पिटल में लेकर गए। हॉस्पिटल में जब वो अंदर जाने लगे, बोला कि तो हमको वो ड्राइवर 57 सौ रुपया दिया, 5700, जो कि रो रहा था कि खाने के लिए पैसा नहीं है। तब से मैं ड्राइवरों को जब कोई रोता है तो बोले यार तुम्हारा रोने का मतलब है कि 5000 है, और हाँ से है तो 10-20 हज़ार है। तो ये चीज़ है कि ये ड्राइवर लोग, मालिक के पॉकेट में 2 रुपया रहे या ना रहे, ड्राइवरों के पास रहता है। तो ये है कि इनके पर पूरा विश्वास भी न कर, और बिना विश्वास के कुछ होता भी नहीं है। तो दोनों तरफ से जो ट्रक होता है, वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रक ले रहे हैं, ले लेते हैं, उसके बाद वो परेशान हो जाते हैं। तो परेशानी से पहले उनको क्या समझना चाहिए कि लेने से पहले क्या ध्यान देना चाहिए? आप देखिए, सबसे बड़ी बात होती है ना कि हम अंधे दौड़ में दौड़ते हैं, अंधाधुंध दूसरे के बगल में। आप एक चीज बताइए, हर कोई हर काम के लिए नहीं बना है। यदि मैं ट्रांसपोर्ट के लिए बना हूँ, यदि तुम्हें पढ़ाई अच्छी आती है, वकील बनना है, तो वकील के लिए तुम वो गलत करो ना, फिर ट्रांसपोर्ट मत करो। तो जो जिसके लिए बना है, तो अपने आप को तौलिए। ये कीजिए, अंधे तुम्हें पापा का पैसा है, खरीद के गाड़ी चलवा लेना, वो नहीं चला पाओगे, क्योंकि आप उसके लायक हो गए तब। आप पापा ने पैसा दिया, आपने गाड़ी खरीद लिया, गाड़ी कहीं और गई और अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे हो, तो भाई ये नहीं चलने वाला है। गाड़ी के साथ आपको गाड़ी के साथ बैल बनना पड़ेगा। तो बात सही कही। तो ऐसे ही अगर आप लाइन में एक्सपीरियंस है, कुछ आप जानते हो उस बारे में, ट्रक के बारे में, तो ही आप लोग वगैरह, अगर आप इंटेंशन नहीं है, सिर्फ आप देख रहे हो, वीडियो देख कर ही आप कर रहे हो, तो वैसे बेकार है लेना, पैसा डूब जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा है कि अभी देखिए, अभी आज मैंने 5 साल पहले जाइए और 5 साल बाद गाड़ी ले रहे हो, तो सबसे पहले आप अपने आप को तोड़ लो, और आपके चाहने वाले, आपके जानने वाले कोई ऐसे बंदे हैं जब आपको माल की ज़रूरत हो, जैसे यहाँ गाड़ी लेकर आप तो खड़ा नहीं करोगे, और जब गाड़ी खड़ा नहीं करोगे तो उसको चलाने के लिए तो कुछ चाहिए। तो सबसे पहले कि ट्रांसपोर्टर, और यहाँ तक कि मैंने कंपनी से भी जानकारी है, तब आप गाड़ी डाल सकते हो। और गाड़ी डालने के बाद सबसे बड़ी बात है कि आज के दिन में पूरा हिंदुस्तान एक हो गया है, और कहीं से कहीं भी गाड़ी आप भेज सकते हैं, और बहुत कम आजकल, पहले जैसे क्या होता था कि हम लोग जब 95 और 100 के 2000 के आसपास में 5 स्टेट का 5-5 हज़ार करके परमिट का लगता था, यदि 11 स्टेट में करेंगे तो 51 हज़ार लगता है, 55 हज़ार लगता था, यदि पूरा हिंदुस्तान का करना हो तो करीब करीब 1 लाख रुपया लगता था, और आज 15 से 17 हज़ार में पूरा हिंदुस्तान में आप गाड़ी घुमा सकते हैं, मिल जा रहा है। और दूसरी बात है कि आज ये रोड वगैरह इतने अच्छे हैं, तो आप सक्सेस हो सकते हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको गाड़ी के प्रति समर्पित होना चाहिए। और दूसरी बात है कि गाड़ी से कमाई जो है ना, मार्केट बहुत उथल पुथल होते रहता है, पार्टी और ट्रांसपोर्ट के बीच में एजेंट भी होते हैं, और आप डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट से ये कर रहे हो तो एजेंट वाले पैसा आपको बचेगा। अब यहाँ पर देखिए कि एक गुवाहाटी लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इसमें कंपनी को बुकिंग 60 हज़ार का है, गाड़ी के ड्राइवर को 40 हज़ार मिला है, लेकिन ट्रांसपोर्टर को उसमें इतने बीच में जाए कि 50 हज़ार खर्चा हो गया है, ऐसा तक होता है। माने न मालिक को बचता है, न बीच में, हम बुकिंग कर रहे हैं, हम पैसा लगा रहे हैं, मुझे पैसा आप कम बचता है, बीच में एजेंट भी ज़्यादा है। हाँ। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको डायरेक्ट यदि आपके साथ हो, और नहीं तो एजेंट हैं, ईमानदार हैं, आपसे कमीशन खा रहा है, तब आप सक्सेस होगे। यदि बीच में कमीशन के साथ में डिफरेंस खा रहा है, तो आप सक्सेस नहीं होइएगा। और ये जो कहानी, जो गेम है ना, ट्रांसपोर्टर गेम, यही इसी को कहते हैं सक्सेसन, जो जितना बीच में डिफरेंस बना लिया है वही सक्सेस है। तो
वो बात कर रहे थे जैसे उसका पहले जो ट्रक लेना चाहिए, मतलब क्या नुकसान हो सकता है या कितना कमा सकता है नहीं कमा सकता, ये पॉइंट आता है। आप देखिए सबसे पहले कि आप ट्रांसपोर्ट में नुकसान पे ही ध्यान दीजिए, तब आप कमा सकते हो। आपको इंश्योरेंस तो देना ही देना है। छह टायर, 10 चक्का में 10 टायर लगा रहे हो, 1 साल बाद वो टायर मांगेगा। उसका कॉस्ट आपको 1 साल बाद वो लगेगा। उसके बाद आप गाड़ी का जो भी काम करना है, ये करना है, वो पहले मैकेनिकल वगैरह सब पास वगैरह सब, ये तो खर्चा वो लगना ही लगना है। तो सबसे पहले बात है कि आप गाड़ी रखे हो, सक्सेस तभी हो सकते हो, कमाई के कुछ भाग आपके अकाउंट में होनी चाहिए। नहीं तो वो कमाए और उसी को खाए जा रहे हैं। नई गाड़ी 3 साल के बाद आपको इतनी उसमें पैसा मांगेगी कि आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। इसलिए 3 साल में जो आप कमा लिए, 5 साल तक गाड़ी चलवाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। 3 साल के अंदर जितना चलवाना है चलवा के अपना पैसा निकलवा निकलता है, ये बात नहीं कि, लेकिन क्या है कि आप समझ आनी चाहिए। आप यहाँ से गाड़ी भेज दिया गुवाहाटी में आपका कोई नहीं है, ड्राइवर है, वहाँ से भाड़ा आता है 25,000, ड्राइवर आपको बोलता है कि 20,000 में आया, आपको विश्वास तो करना पड़ेगा। तो क्या होगा कि गाड़ी सेम डे में आ जाएगी और आप 20 के 25 के चक्कर में पड़ोगे तो 5 दिन रुक जाएगा, फिर 20 में आएगा, वो 5 दिन का आपका नुकसान होगा। तो ये सब आपको पहले ध्यान देना होगा कि टाइम मैनेजमेंट जो सक्सेस करेगा वही इसमें काबिल होगा। आप 2 रुपया कम मिलता है, अब जैसे बहुत लोग क्या होता है कि 16 टन में गाड़ी गई और उसमें माल 12 टन मिला, तो 4 टन उसमें भरने के चक्कर में 4 दिन रोक देता है। अब वो 4 टन में जो उसको भाड़ा मिला वो 4 दिन का नुकसान वो नहीं देखता है। तो जो आदमी 4 दिन का नुकसान नहीं देखता है वो कभी सक्सेस नहीं होता है। इसलिए गाड़ी दौड़ती रहेगी तो आपको बेनिफिट रहेगा। जहाँ वो थोड़े फायदा के लिए, आप देख लो, आपने 4 टन माल लिया, 4 टन में आपको 20,000 रुपये मिला, 4 दिन का 8,000 मान 1,500 रुपया करके 6,000 का ये नुकसान हो गया, 4 दिन का ड्राइवर का खर्चा नुकसान हो गया, तो ये करके 10,000 नुकसान हुआ, 10,000 फायदा हुआ। 10,000 में वो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि वो फायदा ही होगा। इसलिए टाइम मैनेजमेंट, आप कोई भी यदि आप पार्ट माल भी उसमें डालते हो, क्योंकि आजकल के दिन में डालना जरूरी भी है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट ये करना पड़ेगा गाड़ी की टाइमिंग से, क्योंकि आप कहीं लेट कर गए 4 दिन यहाँ रुके तो अगला 4 दिन लेट हुआ तो प्लांटी काटेगा, तो फिर इधर जो कमाए वो प्लांटी में दे दी। तो सबसे पहले आपको 4 चीज़ पे इस पर ध्यान रखना पड़ेगा। एक कि आपके जो सर्कल है इस लाइन से जुड़े हुए हैं जो आपको कभी माल की ज़रूरत हो, दूसरा आपके ड्राइवर हैं वो ईमानदार हो, ईमानदार ना हो तो कम से कम आपके प्रति वफादार हो, वफादार, बेईमान होने के बाद भी वफादार रहेगा तो आपके। तीसरा आप इतना तो ध्यान में रख लो कि घर से कट जाओगे, रात को 12 बजे घर में खाने के लिए आया, सोने के लिए आया, तब तक ड्राइवर फोन करता है बाबू हमारा टायर फट गया है। तो परिवार को भी आप संत रूप में आपको जीवन जीना पड़ेगा। एक तो इस लाइन में आए हो तो एक संत रूप का जीवन जीना पड़ेगा। ये नहीं है कि अब 10 बजे 6 बजे घर में घुसोगे फोन आएगा फिर बाहर जाना पड़ेगा। चौथा कि हम लोग ज़्यादा तंग हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और अनाप शनाप बोलने लगते हैं, तो उससे बचना होगा, क्योंकि अनाप शनाप बोलोगे तो आपका बिजनेस खराब होगा, आपका माने जितने भी पार्टी से ड्राइवर से गुस्सा में, तो गुस्सा जब भी आ जाए तो अपने आप को कंट्रोल करना होगा। इस लाइन में यदि सक्सेस होना है तो जी। क्योंकि आप ड्राइवर को यदि गाली ही दे दिए तो उस समय तो सुन के चला जाएगा, लेकिन आपको उसका नुकसान भरपाई कर देगा वो जी। तो इसलिए ये सब ध्यान रखना, गुस्सा भी आए तो मैंने ये करके। और लास्ट एक सवाल पूछूंगा और तो लास्ट ये रहेगा कि ये ट्रांसपोर्ट का बिजनेस आपके लिए क्या मायने रखता है, और अगर कोई करता है वो ट्रांसपोर्ट का मतलब ये नहीं कि कोई बिजनेस कर रहा है, इसका मतलब कोई ट्रक भी ले रहा है या वो लेना चाहता है छोटा हाथी से लेकर बड़ा गाड़ी तक, उसके लिए क्या मायने रहता है आपके हिसाब से कि वो कैसा रहेगा? मैं देखिए ये लाइन हमेशा से बहुत अच्छा लाइन रहा है। आप बहुत लोगों को मैं जानता हूँ जो एक गाड़ी एक छोटी गाड़ी लेकर 5-5 गाड़ी 10-10 गाड़ी की है,
मेहनत की है, तो आप इस लाइन में सक्सेस तभी होंगे जब आप मेहनत करोगे। मेहनत करने वाले इस लाइन में हमेशा सक्सेस रहे, वो कभी फेल नहीं हुए हैं। फेल वही हुए जो लोग कोई बोलते हैं कि मैं ट्रांसपोर्ट में फेल हो गया, मैं भी फेल हुआ, तो मैं जानता हूँ फेल का कारण मैं हूँ, क्योंकि मैं दो रास्ते पर चला गया। तो फेल आप तब भी हो सकते हो जब इसके प्रति वफादार नहीं रहो। आज देखिए, आज ये पोजीशन है कि हम लोग डेली 4 गाड़ी 5 गाड़ी 10 गाड़ी लगा रहे हैं और लग रही है, क्योंकि उसके प्रति अभी वफादार है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप जो भी आपके क्वेश्चन करते हैं कि गाड़ी लेना चाहते हैं तो लोग, लेकिन आपको बैल बनना पड़ेगा, बैल बनना पड़ेगा। हाँ, तो दोस्तों बैल का मतलब ये मतलब मत समझिएगा। एक किस्सा मैं आपको सुना रहा हूँ। जब 4 प्राणी कुत्ता बैल इंसान और गधा, जब सबका उम्र भगवान ने कहा कि 40 साल दिया जाएगा, इस 40 साल की उम्र में सब तो संतुष्ट थे, लेकिन हम इंसान संतुष्ट नहीं हुए। तो बोले कि भाई हम भगवान हमको और चाहिए। तो बैल बोला कि हम 40 साल जी के क्या करेंगे, 20 साल हमारा इनको दे दीजिए। तो भगवान बोले ठीक है, अब आपका 60 हुआ। तो वहाँ कुत्ता आया, बोला हम भी इतना नहीं जी सकते, इसलिए हमारा भी 12 बरिस इनको दे दीजिए। तो 12 बरिस वो भी मिल गए। उसके बाद गधा आया तो बोला कि हमारा भी 12 बरिस दे दीजिए। और उसके बाद कुत्ता आया, बोला कि हमारा इनको 28 साल दे दीजिए। तो आप देखते होंगे 40 साल न किसी का सुनना है न कुछ ये करना है, बड़े मस्त हैं। और 40 के बाद बैल वाला जो हो जाए, बच्चों की जिम्मेवारी आ जाती है, बच्चे कॉलेज में पहुंच जाते हैं तो बैल बन जाते हैं आदमी, कुछ भी हो कैसे भी कमाया जाए। और जब 60 पूरा होता है तो वही गधा वाला हाल हो जाता है। दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।